हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं छाया से। तो आज हम दोनों ब्लॉग करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग, हमने सोचा क्यों ना मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग किया जाए। तो मैं आज ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। भी शाम इवनिंग का रूटीन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ऐसा कुछ खास मेरा रूटीन है नहीं, मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ शेयर करूँ। अभी शाम के 6 बज रहे, तो मैं अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते। तो अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने, शाम का टाइम हो गया। अरे तो चलिए साथ में चाय बनाते। तो मैं आपको अपना टी रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए मेरा टी रेसिपी देख। चलिए चाय बनाते। तो सबसे पहले टोप ले लेना। हम लोग कच्चा दूध यूज़ करते हैं, पका दूध नहीं यूज़ करते। हम लोग जब यूज़ करते हैं पैकेट, उसमें दूध जो बचता है वैसे रख देते हैं दूध बनाने, चाय बनाने के लिए, दूध बनाने के लिए नहीं। एक कप दूध गया, कैमरा में पास आ गया, देखो ये पानी एक कप, और ये गया कौन से चाय वाले बर्तन में, दो लोग दो कप दूध, समझे हम लोग। हाँ, लाइट ऑन कौन करेगा, उसके बाद गैस ऑन कर लेना ऐसे करके। ये रहा चाय पत्ती हमारा, हम लोग बाग बकरीब चाय पत्ती यूज़ करते हैं। चाय तो कोई भी चाय पत्ती यूज़ कर सकती। ये चाय पत्ती बहुत ही अच्छा है, आप लोग एक बार ट्राई करें। ये कोई स्पॉन्सर क्या, स्पॉन्सर टी नहीं है, क्योंकि हमें कौन स्पॉन्सर करे, गरीब यूट्यूबर का कोई स्पॉन्सर नहीं करता। अब बारी शक्कर की, तो अब गया शक्कर, हम लोग यहाँ मधुर शक्कर यूज़ कर रहे हैं। आप चाहे तो कोई भी शक्कर यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। 2, 3, 4, 5 ना, हम लोग ज़्यादा ना कम पीते मीठा। ये थोड़ा थोड़ा डाले हैं, हरी है इलायची की। चाय को पूरे अच्छे से आपको बॉईल कर लेना है। अच्छे से बॉईल करेंगे तो तभी आपका चाय कड़क और टेस्टी बनेगा। चाय ले लो, चाय, चाय ले लो, चाय, चाय ले लो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? भड़ा हुआ पति के लिए। तो चलिए हम लोग चाय पीते, बालकनी एंजॉय करते। हमारा व्यू इतना मस्त व्यू है। गाड़ी आते गाड़ी जाते हम लोग वही देखते हैं, और थोड़ा सा जंगल दिखता है। हम लोग बालकनी में बैठ के चाय पियेंगे। अब मेरा छोटी है भंगारी, ये मैं छोटी वाला बच्चा, ये ब्लैक ब्लैक। तो ये रहे हमारे आज के चीफ गेस्ट। बहुत टाइम के बाद है, बोले जब चाय आएगा तब मैं ब्लॉगिंग में आऊँगा। ऐसे तो मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि ये हमारे ब्लॉगिंग के चीफ गेस्ट हैं। अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझते हैं, लोगों को समझने में क्या जाता, कुछ भी समझ सकते हैं, है ना। तो आज का ब्लॉगिंग स्टार्ट हो चुका है। इवनिंग का ब्लॉगिंग है, रैंडम ब्लॉगिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। आज समोसा घर पे बन रहा है, इसके लिए ब्लॉगिंग बन रहा है। मेरा रेसिपी लाजवाब है। समोसा बनाते हुए छाया दिखाना चाहती थी कि मैं भी दिखाऊंगी, मैं भी समोसा कैसे बनाती हूँ। तो बस ब्लॉगिंग का नाम दे दिया। मैं भी किसी का छाप के बताऊंगी, मैं भी किसी का छापूंगी रेसिपी, यूट्यूब पे देख के छापूंगी, आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए चाय पीते हैं। चाय पीने शर्ट भी मेरे पति का है। मैं अपने पति का कपड़ा पहन लेती हूँ, जब जब मेरे में कमी पड़ जाते थे, मैं अपने पति का टी शर्ट ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे पति के पास बहुत सारे कपड़े हैं, मेरे पास नहीं है। सो बेसिकली जो कपड़ा मेरा छोटा हो जाता है वो मैं डोनेट कर देता हूँ। मैं गरीब हूँ, गरीब। एक ये है गरीब बच्चा। अगर आप लोग डोनेट करना चाहती तो बोलिएगा, मैं अपना ये कपड़ा, नया नया टी शर्ट है, कुछ भी, अभी क्या करें, दान में देना पड़ा, कुछ भी। फिर क्या, नया टी शर्ट था, 2 साल पहले एक बार से पहना था मैं, तो क्या मुझे छोटा हो गया। तो चलिए हम लोग चाय एंजॉय करते हैं। अच्छा, उसके बाद बाकी का ब्लॉगिंग कंटिन्यू करते हैं। तो सी यू, कहते समोसा बनाते वो देखने के लिए, तो रेसिपी जानने के लिए ब्लॉग में बने रहे। हाँ, रेसिपी जानने के लिए ब्लॉग में बने रहे। आपकी रेसिपी गई तो नजर बना के। ऐसे लॉकडाउन में 2-3 बार समोसा बन चुका है घर पे, अच्छा बनाती है, तो देखते रहिए। तो हम और अनी अभी यहाँ पे टाइम पास कर रहे थे, टाइम पास कर रहे थे। हाँ, तो चलिए देखते हैं छाया किचन में क्या कर रही है।
और समोसे का प्रिपरेशन कहाँ तक हुआ है, तो बने रहिए। आइए 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 आइए। मम्मा क्या बना रहे हैं? समोसा है ना तुम? तो चलिए देखते हैं रेसिपी। तो मैदा यहाँ ले ली, उसके बाद मैं यहाँ अजवाइन डाल रही हूँ। अजवाइन, नमक, उसके बाद नमक हो गया। कितना नमक डाला बताया है? नमक अच्छा, नमक स्वादानुसार इसको मिला लेना है। ओके, तो पहले इसको ऐसे मिक्स करना है। अभी हम लोग लालची होते जा रहे हैं, अभी हमको लग रहा है समोसा कम होगा, तो इसलिए थोड़ा सा और मैदा बढ़ाया जा रहा है ताकि हम दो के बजाय चार समोसा खा पाए। और चिकलू दो समोसा आपके लिए खा जाएगा। कॉकटेल समोसा नहीं है तुम्हारे लिए, हाँ बड़ा बड़ा समोसा है। ये देखिए चिकलू भी बहुत ध्यान से देख रहा है, ऐसा लग रहा है वही सीख के कल तो वही बनाने वाला है। चिकलू सीख जाएगा ना और कल बनाएगा ना समोसा। देखिए 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 आँख देखिए एकदम सब सीख जाएगा। मिक्स करते जाए, मिक्स करते जाओ, करते जाओ। ये कितना डालना है? दो चम्मच। तो ये छाया का अंदाज है, दो चम्मच का। आप अपने अंदाज डाल सकते हैं। है बहुत खाना बनाती, इसको पूरा अंदाज है। तो ये दो चम्मच घी है। घी डालने से आपका समोसा खस्ता और क्रिस्पी बनेगा, इसलिए मैं यहाँ घी यूज कर रही हूँ। तो और डाल देना चाहिए है ना, हम लोग को क्रिस्पी समोसा अच्छा लगता है। तुम लाइन से क्या? अगर आपका आटा ऐसे बंधाने लगा तो मतलब आपका अब इसमें ज्यादा तेल नहीं लगेगा, इसलिए अब तेल घी इसमें नहीं डालूंगी, अब सीधे पानी जाएगा इसके अंदर। पानी रे पानी, हल्का हल्का पानी डाल के पिलाना है। कैसा जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। हल्का हल्का पानी डाल के करना है, ज्यादा एक बार पानी डालेंगे तो आपका आटा गीला होने का डर रहेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके अपने आटे को गूंदे। क्या आटा डो जो भी हो, और ताकत लगाया जाए, और ताकत लगाया जाए। अनी को दे दो, अनी कर देगा। तो ये हमारा डो रेडी हो गया, इसके बाद इसे हम रख देंगे। इसके बाद हम समोसे का मसाला तैयार करेंगे। तो कढ़ाई में दो चम्मच तेल डाल देंगे। अब इसमें जाएगा सिंग दाना। ये सिंग दाना जिसको हम लोग बादाम भी बोलते हैं। अगर आपके पास मटर हो तो आप मटर डालिए, मेरे पास मटर नहीं था तो मैं यहाँ सिंग दाना डाल दी। सिंग दाना को हल्का सा फ्राई कर देंगे। सिंग दाना फ्राई करते समय ध्यान रखें ये उठता भी है, फटता है, इसका पेट है जो सिंग दाने का वो फट जाता है। और फट के कहीं भी उड़ सकता है और उड़ने के बाद आपके हाथ पैर गले में मुंह में चला सकता है। कॉपीराइट आ जाएगा ना मतलब। यस बेटू आ जाओ, क्या हो गया तुमको? नहीं गोदी नहीं बाबू, गोदी नहीं, ये देखिए गोदी के लिए जाओ। प्राइम से को अपना जाओ, प्राइम से को माता बुला रही है। अब इसी तेल में हम लोग इसमें मिर्ची और लहसुन अदरक और लहसुन को कदस कर लिए, मिर्ची काट ली हूँ, ये तीनों मैं अब कढ़ाई में डाल दूंगी। तो थोड़ा बचते हुए अगेन ये भी उड़ता है तो बचकर ये भी आपके शरीर के हाथ पैर नाक मुंह के ऊपर उड़ सकता है। इसमें गंदा आवाज नहीं निकालने की जरूरत है। इसमें क्या क्या है? मिर्ची है और लहसुन है, अदरक है, लहसुन और अदरक को थोड़ा सा हल्दी डाली, थोड़ी सा मिर्ची पाउडर, ये भी थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, अब इसमें हम लोग आलू डालेंगे। जैसा मैंने बोला था हम लोग चार चार पांच पांच समोसा खाने वाले हैं, तो उसके हिसाब से मसाला देखिए, दो ही समोसे का है। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी। ये है गरम मसाला पाउडर, ये भुना हुआ जीरा और धनिया का पाउडर। अब इसमें नमक, हमको भी कम लग रहा है मसाला। चलिए मैं काउंट करता हूँ कितना मसाला है ये।
एक समोसा, दो समोसा, तीन समोसा, चार समोसा, पाँच समोसा, छह समोसा बनता है। नहीं है ना, अब इसमें हम लोग कटा हुआ धनिया डालेंगे। तो धनिया बहुत सारा हो गया है, कोई बात नहीं। ध्यान रखिए मसाला भून के हुए, आपका आँच स्लो होना चाहिए नहीं तो मसाला चल जाएगा। ऐसे ये बात छाया को बोलना चाहिए, मैंने भी देखा तो आपको बता दिया। अब मैं इसको भी अच्छे से फ्राई कर दूंगी। गैस को मैं ऑफ कर दूंगी, ये हो गया ऑफ। इसमें मैं अमचूर पाउडर डाल दूँ, हाँ आधा चम्मच। अगर आपके पास चाट मसाला होगा तो चाट मसाला भी डाल सकती है, मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं डाली। पनीर भी डाल सकती है, मटर भी डाल सकती है, बहुत कुछ डाल सकती है। ये रहे चिकू महाराज जो आराम से टीवी एंजॉय कर रहे हैं। ओए क्या, कितना टीवी देखोगे तुम? ये देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि समोसे का सबसे इम्पोर्टेंट काम अभी चल रहा है, फिलिंग है समोसा बनाना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। तो काट दिया जाए। तो सबसे पहले आप एक रोटी की तरह गोल बना ले, उसके बाद उसको चाहे तो लंबा भी बना सकते हो, गोल भी बना सकते हो अच्छी तरह। सही है क्या? इधर पानी लगाएंगे, ठीक है, सीधा करेंगे ऐसे, इधर भी पानी लगा देंगे, लगाएंगे तो ऐसे करके इसके कोने को बंद कर देंगे, इसको उठा लेंगे। ये बन गया हमारा कोन, या अब इसमें मसाला भर देंगे। बैठा दीजिए, बैठ गया, ये बन गया समोसा। मेरा समोसा गिरना चाहिए, काम करो दूसरे की बारे। ये ऐसे मुँह बंद कर देना अच्छे से। अब इसमें जाएगा मसाला, इसमें पानी लगा दूंगी थोड़ा थोड़ा सा, इसके बाद मुँह बंद कर देना है। ऐसे करके मैं सारे समोसे पहले बना लूंगी, उसके बाद तलूंगी। जब तक छाया समोसे बना रही है तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने ऑलरेडी इमली की चटनी बना के रखा है। तो ये देखिए इमली का चटनी, देखने में तो डेफिनेटली टेस्टी ही लग रहा है, खाने के बाद मैं बताऊँगा। और इसका रेसिपी आपको छाया सेपरेटली बताएगी, जब लोग पूछेंगे। सो यहाँ समोसा रेडी है, टोटल 7 समोसा बन पाया उतने मसाला में, और ये तेल गरम हो चुका है। तो अभी जब भी समोसा को तले तो फ्लेम को दम लो रखे, तभी समोसा तले, तभी आपका समोसा क्रिस्पी बनेगा, खस्ता बनेगा। जितने आपके कढ़ाई में समोसा आ सके उतना ही समोसा डाले, ज़्यादा नहीं डालेंगे तो अच्छे से समोसा नहीं बन पाएगा। तो फ्लेम को हमेशा लो रखना, हाई नहीं रखना, फ्लेम को एकदम लो करके आपको बनाना है समोसे को, और पलटते रहना है। तो मैंने एक पलटी मार दिया है समोसे को, तो ये रहा फाइनल लुक, ये रहा हमारा समोसा का फाइनल लुक। और समोसा रेडी है खाने के लिए, तो चलते खाती है, खाती नहीं, खाते इमली की चटनी के साथ।
चलिए बताते हैं कि कैसा बना है। इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, खा जा जल्दी, मिलेगा नहीं। से क्रिस्पी ही बना है, देखिए कैसे क्रिस्पी निकल रहा है। अच्छा, निशान है क्रिस्पी का। हाँ, तो निकलता ना बस इसके। नाम नाम नाम। सही में तुम बेबी ऐसे कर रहे हो। बहुत अच्छा बना है। तो मैं बोल रहा था बहुत अच्छा बना है। तो मैं इसको 10 में 9 out of 10 देता हूँ, एक और छोड़ देता हूँ ताकि इससे भी अच्छा बन पाए। एक्चुअली बहुत अच्छा बना है। तो बात जो हम लेके आते हैं ना, चटनी बहुत अच्छा है। चटनी में क्या क्या है बता दो। इमली और गोल। बड़ा वाला समोसा आप लोग के लिए लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए समोसा। ये तो अभी हम लोग समोसा एंजॉय करते हैं और फिर आपको मिलते हैं समोसा खाने के बाद। डेफिनेटली अगर आज रात को मेरा मन किया तो कॉफी पी सकते हैं, अगर नहीं मन किया तो कॉफी नहीं पी सकते हैं, बट मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए पॉज। तो समोसा रियली बहुत अच्छा था, एकदम क्रिस्पी था, जैसा चाहिए वैसा था। इनफैक्ट मुझे तो बाहर से भी ज़्यादा अच्छा लगा, उसके अंदर का जो मसाला था वो तो मतलब लाजवाब था। सो बहुत अच्छा था, कॉम्प्लीमेंट। आप लोग भी घर पे ट्राई। समोसा बहुत अच्छा था, इसलिए कॉम्प्लीमेंट। मतलब गलत उल्टा हो गया, मेरा कहने का मतलब ये था कि समोसा बहुत अच्छा था, इसके लिए कॉम्प्लीमेंट। ओके, ठीक है, आप लोग भी घर पे ट्राई कीजिए, बनाइए और बताइए कैसा। आप भी मेरा रेसिपी ट्राई कीजिए, बनाइए और बताइए कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दे। नहीं, इतनी जल्दी लाइक नहीं कीजिएगा, मैं इतनी जल्दी बाय नहीं। और हाँ, एक बात तो बताना भूल गया, चिकलू को भी समोसा बहुत अच्छा लगा है, मतलब उसने भी एकदम उठा के खाया। बेचारा एकदम थक गया, इतना समोसा उठाया रखा उठाया, बेचारा थक गया। दिखा दो फेसर नो, मैं कितना थकू थकू हो गया, मैं बहुत थकू थकू हो गया। और भाई और अनी को नींद भी आ रहा है अभी। स्लीपिंग टाइम हो गया है अनी का। तो आप लोग बताइएगा आज का ये रैंडम ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ब्लॉग कैसा लगा, अगर आप चाहती हो, अगर आप लोग चाहते कि मैं ऐसा ब्लॉग करती रहूँ तो कमेंट करके बताएं, तो मैं ऐसा ब्लॉग और बना के आप लोग के लिए लेकर आऊंगी। अरे हाँ बोल दो, इसी बहाने अच्छे अच्छे डिश बना के मिलेंगे और साथ में मैं खाऊंगा। नहीं मिलता है, मतलब आप लोग को नया नया डिश मिलेगा देखने के लिए। मैं भी आपको दाल चावल चोखा दम बिहारी वाला खाना दिखाऊंगी। मैं दाल चावल चोखा, दिस इज बिहारी डिश। गुड बाय, इट्स अ
थक गया बहुत, बहुत ज़्यादा थक गया बेचारा, यही समोसा बनाया है। सारा काम हम लोग इसी से कराते हैं, ऑफ कैमरा आपको पता नहीं हम लोग इसके साथ क्या क्या करवाते हैं। इतना बजा थक गया, बहुत थक गया, समोसा बनाया है, बर्तन धोया है, सारा काम करता है, मेरे कुछ ही पाई करते हैं। जब से हमारे घर में आया है हम लोग को बहुत ज़्यादा आराम, हम लोग दिन भर बैठे रहते, सारा काम ही हमारा कुटी पाई करते हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नहीं, तब तक के लिए बाय। नहीं तो हाँ, इससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, जितना हो सके मेरी वीडियो को शेयर करें, शेयर करेंगे तभी तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो प्लीज़ शेयर करें। और हाँ, जो मेरे वीडियो को पहली बार देखें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और मेरी वीडियो को पहले देख सके। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हाँ मेरी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। कितनी बार एक ही बात को आप लोग को बोलना पड़ेगा, समझ में नहीं आता, सब्सक्राइब कर दो जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है और बहुत फ्री भी है, पैसा नहीं लगता। अगर आप लोग देख रहे थे ऐसे भी तब का नेट लग गया तो सब्सक्राइब करके चले जाओ, क्या जाता आपका, कुछ नहीं जाएगा। और लाइक भी कर दो, मन कर रहा है तो कमेंट करके भी बता दो कैसा लग रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में कमेंट भी कर दीजिए कि आपने सब्सक्राइब कर दिया है। तो देखते हैं कि ये वीक में कितने नए सब्सक्राइबर आते हैं और वो बताते हैं कि आपने सब्सक्राइब किया है। नहीं किया तो क्या करेंगे, फिर वही बोलेंगे, फिर से हमारा ही पचका, हमारा ही पोपट, सब कुछ। अगर ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, लव यू। जो जो मेरे सब्सक्राइबर जो नहीं है उनको भी लव यू, बाय बाय। बाय कर दो चिकलू, बाय कर दो, नहीं बाय कर दो, कर दो कुत्ती, बाय नहीं बाय कर दो।